नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्ट्रेंज का एपिसोड 5। तो यार अब तक आपने देखा कि ब्लास्फेमी कार्टेल के लोगों ने शैडो नाइट को लेकर सैंक्टम का अटैक किया है, जहां पर उमर क्लिया के साथ डिनर करने आई थी। हालांकि ये बताया नहीं गया है कि वे लोग इन सारे मरे हुए विलन्स और हीरोज को फिर से ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में रेजरेक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि ऐसे और भी कई सारे हैं। तो क्लिया अपनी सारी पावर्स मिलाकर उस शैडो नाइट को मार गिराती है, लेकिन तभी उसे मिलने फिर से हार्वेस्टमैन आ जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम उमर को देखते हैं जब ब्लास्फेमी कार्टेल के लोगों को मार गिराती है और फिर उन सारे लोगों का ब्लड पीने लगती है, और इस बात से वो बहुत खुश थी। तभी हमें क्लिया की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि बाहर उमर ब्लास्फेमी कार्टेल के लोगों को मारकर उनका ब्लड पी रही है। ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं किसी और काम में बिजी हूँ। तभी हमें अंदर हार्वेस्टमैन दिखाई देता है जो क्लिया के सामने आ जाता है। तभी क्लिया कहती है कि ये है हार्वेस्टमैन और ये डेथ का सॉर्सरर सुप्रीम है जो मेरे स्ट्रेंज को जिंदा कर सकता है। तभी क्लिया हैरानी से हार्वेस्टमैन से पूछती है कि ये रेवेनेंट्स क्या है, जिस पर हार्वेस्टमैन कहता है कि डेथ की डोमेन में कुछ लोगों ने विद्रोह किया है। तभी हमें डेथ की डोमेन दिखाई देती है जहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, और तब हार्वेस्टमैन क्लिया से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट है जिनको लैंड ऑफ लिविंग पे बुलाया जा रहा है। उन्हें किसी तरह का सायरन सॉन्ग सुनाई देता है और फिर वे लोग जिंदा हो जाते हैं, लेकिन इन घोष्ट का कोई वजूद नहीं है और उन्हें खुद का नाम तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया जाता है और किसी शरीर से जिंदा किया जाता है। जिस पर क्लिया हार्वेस्टमैन से पूछती है कि सिर्फ सुपर हीरोस और विलन से क्यों, जिस पर हार्वेस्टमैन क्लिया से कहता है कि वो पहचान पे निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। लेकिन एक सुपर हीरो या विलन की पहचान एक सिंबल की तरह है, जितना क्लियर नाम होगा उतना ही शरीर में घुसने के चांसेस होते हैं। ये घोस्ट एक साथ मिलकर किसी मरे हुए हीरो या विलन के शरीर को पोजेस कर लेते हैं, जिसके कारण वो उनकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी कारण वे लोग बहुत डेंजरस है। तभी क्लिया हार्वेस्टमैन से पूछती है कि इन रेवेनेंट्स और ब्लास्फेमी कार्टेल का क्या कनेक्शन है। मुझे तो वो छोटे से गैंगस्टर लगे, लेकिन अगर रेवेनेंट्स उनके साथ है तो। लेकिन तभी हार्वेस्टमैन वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सॉर्सरर सुप्रीम को नहीं जानता हूँ, पर मैं इसकी खोज करूँगा। डेथ ने मुझे बदल दिया है और अब मुझे रेवेनेंट्स को ढूंढना है। तभी क्लिया हार्वेस्टमैन से कहती है कि मैंने ब्लास्फेमी कार्टेल को मिटाने की कसम खाई है, और वैसे भी हम दोनों का एक ही गोल है, तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन बदले में डेथ को एक आदमी को जिंदा करना होगा और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन तभी हार्वेस्टमैन गुस्से से क्लिया की ओर मुड़ता है और कहता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, मैंने तुमसे कहा था कि ये बात भूल जाओ। जिस पर क्लिया कहती है कि मुझे पहले भी एक बार भुलाया गया था, लेकिन अब नहीं। जिस पर हार्वेस्टमैन कहता है कि स्ट्रेंज इसके लायक नहीं है, अपना शब्द वापस ले लो। ये कहते ही हार्वेस्टमैन वहां से चला जाता है। तभी उमर वहां आ जाती है और क्लिया से पूछती है कि ये कौन था। जिस पर क्लिया कहती है कि ये डेथ का सॉर्सरर सुप्रीम है। जिस पर उमर क्लिया से कहती है कि मर्दों को लेकर तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है। जिस पर क्लिया उमर से कहती है कि ये तो मेरे खून में ही है और ये सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है, और वैसे ये डिनर यही खत्म होता है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तभी उमर जाने लगती है और क्लिया से कहती है कि जरा सोच लो, तुम इस दुनिया पर राज कर सकती हो, और जब करना हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर क्लिया गुस्से में उमर से कहती है कि मैं भले ही जन्म से वॉरलॉर्ड हूँ, लेकिन मैं कोई कॉन्करर नहीं हूँ। तभी उमर क्लिया से कहती है कि तुम आज नहीं हो, लेकिन आगे जरूर बनोगी, और तब तुम इस दुनिया का असली रूप देखोगी। ये कहते ही उमर वहाँ से चली जाती है। फिर जिन शिफ्ट होती है और हम क्लिया को देखते हैं जो किसी से मिलने आई थी, जो कोई और नहीं मिस्टर नाइट है। तभी मिस्टर नाइट क्लिया से कहता है कि मिडनाइट मिशंस में तुम्हारा स्वागत है, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर क्लिया मिस्टर नाइट से कहती है कि तुम मरकर वापस आए हो, वो भी बहुत बार, और मैं उसी के बारे में जानना चाहती हूँ कि हीरोस और विलन्स
वापस आ रहे हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं जिंदा हो रहा है। तभी मिस्टर नाइट कहता है कि वोंग का मुझ पर बहुत एहसान है। तब एक क्लिया मिस्टर नाइट से कहती है कि शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि पिछले रात मैंने तुम्हारे भाई को ख़त्म किया जो फिर से जिंदा हुआ था। ये सुनते ही मिस्टर नाइट कहता है, क्या रैंडल मारा गया? तब तो एक और एहसान बन गया है, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम निपटना है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? ये कहते ही मिस्टर नाइट मून नाइट बनकर क्लिया के साथ बाहर निकलता है। तभी उड़ते हुए मून नाइट क्लिया से पूछता है कि तुम स्ट्रेंज को मैजिक से जिंदा क्यों नहीं कर रही हो, जिस पर क्लिया ना कहती है। तभी आगे क्लिया कहती है कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो कभी सॉर्सर सुप्रीम था और डेथ कभी उसे आसानी से जाने नहीं देगी। ये सुनते ही मून नाइट कहता है कि तुम लोगों का काम करने का तरीका मेरे से अलग है। ये कहते ही मून नाइट एक कमरे में घुस जाता है। फिर मून नाइट कुछ गुंडों को मार गिराता है और क्लिया से कहता है कि हम वही करते हैं जो कोंशु कहता है। हम मरते हैं और फिर कोंशु हमें जिंदा करता है, हम फिर मरते हैं और वो फिर से जिंदा कर देता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। जिस पर क्लिया मून नाइट से पूछती है कि कोंशु को डेथ जिंदा करने क्यों देती है, जिस पर मून नाइट कहता है कि वो इसलिए क्योंकि कोंशु गॉड है और ये काम सिर्फ गॉड्स कर सकते हैं। तभी मून नाइट उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम लोगों को कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर वो आदमी कहने से मना करता है। तभी क्लिया मून नाइट से कहती है कि मुझे हैंडल करने दो। ये कहते ही क्लिया अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगती है। तभी क्लिया अपने वॉलनट फॉर्म में आ जाती है और उस आदमी को डरा देती है, जिसके कारण वो आदमी बहुत डर जाता है और सच बता देता है। फिर उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर जाकर मून नाइट और क्लिया उन गुंडों को मार गिराकर सारे लोगों को बचाते हैं। यहाँ मून नाइट उस गैंग के लीडर से लड़ रहा था, लेकिन तभी क्लिया वहाँ आती है और उस आदमी से पूछने लगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम है थैडियस पेन और मैं लोगों के दिमाग खाता हूँ क्योंकि मुझे अजीब तरह की बीमारी है। ये सुनते ही क्लिया थैडियस से कहती है कि तुम्हारा काम इस दुनिया पर ख़त्म हो गया है। ये कहते ही क्लिया थैडियस को कहीं टेलीपोर्ट कर देती है, जिस पर मून नाइट क्लिया से कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब वो किसी और का ब्रेन खाएगा। जिस पर क्लिया कहती है कि वो अब कभी किसी को नहीं मार पाएगा क्योंकि वो अब माइंडलेस वन के पास चला गया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि थैडियस माइंडलेस वन से बचकर भाग रहा था, तो वही दूसरी ओर क्लिया और मून नाइट लोगों को बचा लेते हैं। तभी चलते चलते मून नाइट क्लिया से कहता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और वो ये है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है फिर से ज़िंदा होने के लिए, एक ऐसा शख्स जो पावरफुल है जैसे कि गॉड, और वे लोग तुम्हारी तब मदद करेंगे जब तुम उनके लिए काम करोगे, और अगर ऐसा है तो तुम्हें ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी पावरफुल एंटिटी है जिसके लिए स्ट्रेंज काम कर सकता है, वो भी जिंदा होने के बाद। इतना पावरफुल आखिर कौन हो सकता है जो सॉर्सर सुप्रीम को काम पे रख सकता है? ये सुनते ही क्लिया समझ जाती है कि वो पावरफुल एंटिटी कौन है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम डेथ का डोमेन देखते हैं, जहाँ पर हार्वेस्टमैन आ जाता है। तभी डेथ के रेवंस हार्वेस्टमैन से कहते हैं कि क्या खबर लाए हो, क्या तुमने हमारा काम किया, क्या तुमने रेवेनेंट को मार गिराया? जिस पर हार्वेस्टमैन कहता है कि नहीं मिस्टर डेथ, मैं वहाँ बड़े ही तेजी से गया, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचने में देरी हो गई और उस रेवेनेंट को सॉर्सर सुप्रीम ने मार गिराया। जिस पर डेथ हार्वेस्टमैन से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हार्वेस्टमैन अपना मास्क निकालता है और कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ साहसी है और उसे इस काम के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्लिया अपने प्यार के लिए लड़ रही है ताकि वो फिर से स्ट्रेंज से मिल सके, और मैं भी यही चाहता हूँ। तुम भले ही स्टीफन स्ट्रेंज को हार्वेस्टमैन बनाकर रख लो और भले ही अपने पास मेरी आत्मा रख लो, लेकिन मेरा दिल हमेशा उसका ही रहेगा। ये कहते ही यहाँ ये रिवील होता है कि हार्वेस्टमैन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, और इसीलिए वो हर बार क्लिया को मना कर रहा था कि स्ट्रेंज को जिंदा नहीं किया जा सकता है क्योंकि डेथ ने उसे जिंदा किया है। और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।